घर पर आसान तरीके से गमले बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाल्टी की ज़रूरत होगी। इस बाल्टी को हमें ग्रीसिंग करना होगा। इसके लिए हम बाइक का यूज किया हुआ इंजन ऑयल लेंगे। अब हम इंजन ऑयल को चारों तरफ स्प्रे कर लेंगे। इंजन ऑयल यूज करने का यह फ़ायदा होता है, जब हमारा गमला सूख जाता है तो ये आसानी से निकल जाता है। अब हम एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे, इसकी सहायता से इंजन ऑयल को चारों तरफ फैला लेंगे। हमने इंजन ऑयल को चारों तरफ फैला लिया है। अब हम गमले का मसाला बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले रेती लेंगे और इसमें एक तिहाई भाग सीमेंट डालेंगे और इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें पानी डालने का जगह बनाएंगे। और इसमें पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब हम सारा मसाला बाल्टी के अंदर डाल देंगे। अब हम कैंचे की सहायता से मसाले को ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, या आप अपने हाथों का भी यूज कर सकते हैं। हम इनके किनारों को बनाने के लिए डब्बे का यूज कर रहे हैं। कैंचे की सहायता से ऊपर को प्लेन कर लेंगे। अब हमने प्लास्टिक का एक छोटा डब्बा लिया है, इसकी सहायता से अंदर राउंड शेप देंगे। कैंचे की सहायता से ऊपर प्लेन कर लेंगे। एक लकड़ी की सहायता से नीचे एक होल कर लेंगे, जिससे कि गमले में पानी बाहर निकल सके। हमने गमला को एक दिन सुखा लिया है। अब हम सबसे पहले के नीचे बोरा बिछाएंगे, जिससे कि हमारा गमला टूटे ना। अब हम बाल्टी को उल्टा कर लेंगे। अब हम पीछे से प्रेस करेंगे और बाल्टी को निकाल लेंगे। हमारा गमला बनकर तैयार है। घोल बनाने के लिए सबसे पहले सीमेंट लेंगे, इसमें पानी मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा घोल बनकर तैयार है। अब हम एक ब्रश लेंगे, इसकी सहायता से घोल को अच्छी तरह मिला लेंगे और हम गमले में धीरे धीरे लगाएंगे। सीमेंट का गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। उंगली की सहायता से हम छेद को भर लेंगे। या आप प्लेट का भी यूज कर सकते हैं। हमने प्लेट की सहायता से सभी छेद भर लिया है। अब हम ब्रश की सहायता से चिकना कर लेंगे।